हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं अबीजपत्री वनस्पति। क्या देखने वाले हैं? अबीजपत्री वनस्पति। इसके पहले वाली वीडियो मैंने बता दिया है इस वीडियो में देखने वाले अबीजपत्री वनस्पति। और इसके पहले वाली वीडियो मैंने बता दिया है अबीजपत्री वनस्पतियां क्या होती है। तो अबीजपत्री वनस्पति तीन प्रकार के हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा क्या होता है, उसको मैंने डिटेल में उधर बताया हुआ है। तो पहले जाके वो वीडियो एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, इसका पार्ट वन, तो आप इस वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं उपजगत वनस्पतियों का बीजपत्री फेनेरोग्राम्स। बीजपत्री वनस्पति में प्रजनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं, ठीक है। प्रजनन के लिए क्या होते हैं, विशेष ऊतक होते हैं। वहां प्रजनन के लिए कोई विशेष ऊतक नहीं होता है। ये बीज उत्पन्न करते हैं, इनमें भ्रूण के साथ संचित भोज्य पदार्थ भी होता है। मतलब इसमें प्रजनन के लिए विशेष ऊतक पाए जाते हैं, ये बीज उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, बीजपत्री वनस्पति है और भ्रूण के साथ संचित भोज्य पदार्थ भी पाया जाता है। यदि यह बीज फल से ढका हुआ है तो उसे अनावृत बीजी वनस्पति कहते हैं, यदि बीज ढका हुआ न हो तो आवृत बीजी वनस्पति कहते हैं। अभी देखो, बीजपत्री वनस्पतियां आगे आगे दो भागों में बांटी गई है, अनावृत बीजी पत्री वनस्पति और आवृत। अगर बीज फल से ढका है तो उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अनावृत बीजी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो बीज है वो फल के अंदर है, बीज जो है वो फल के अंदर है, तो उसे क्या कहा जाएगा, अनावृत बीजी पत्री वनस्पति। और आवृत बीजी पत्री वनस्पति किसे कहेंगे, जिसके अंदर बीज क्या रहेगा, बाहर रहेगा, जिसके अंदर बीज क्या रहेगा, बाहर रहेगा। जैसे काजू, काजू में बीज क्या होता है, बाहर होता है। यदि आप लोग देखे होंगे तो देखो यहाँ पर दो भाग में वर्गीकरण किया गया है। विभाग एक अनावृत बीजपत्री जिम्नोस्पर्म, ये देखो यहाँ पर एक फल बना, फल है जिसके अंदर बीज क्या रहेगा, अंदर रहेगा। अब आवृत बीजी वनस्पति एंजियोस्पर्म कहा जाता है, फूल जितने भी है उन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाएगा। इसके अंदर जो बीज रहेगा वो फल से ढका हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। तो बीजपत्री वनस्पति को दो भाग में बांटा गया, अनावृत बीजी वनस्पति और आवृत बीजी वनस्पति। इसके अंदर क्या होता है, बीज जो होता है मतलब उन वनस्पतियों में बीज पाया जाएगा और भ्रूण के साथ साथ क्या होगा, संचित भोज्य पदार्थ भी रहेगा, ये हमने देख लिया। अब आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, अनावृत बीजी वनस्पति क्या होती है, देख लो बच्चों। अनावृत बीजी वनस्पति जिम्नोस्पर्म, जिम्नोन मतलब न ढका हुआ, जिम्नोन मतलब न ढका हुआ, स्पर्म मतलब बीज, ऐसी ये वनस्पतियां बहुत सदाहरित, बहुवर्षीय और कास्टीय होती है। सदाहरित मतलब हमेशा साल भर पूरे क्या होती है, हरी भरी होती है। बहुवर्षीय मतलब इन वनस्पतियों को जो समय होता है, जीवन काल होता है, बहुत ज्यादा होता है और कास्टीय होती है। इन वनस्पतियों की तनों की शाखाएं नहीं होती है, तनों की शाखाएं नहीं होती है, इन वनस्पतियों में तनों में शाखाएं नहीं होती, बहुत ज्यादा शाखाएं नहीं पाई जाती है। पत्तियां मिलकर चक्री मुकुट तैयार करती है, मतलब जो आपने देखा होगा बरगद का पेड़, आम का पेड़, उसके अंदर बहुत सारी शाखाएं होती है, ठीक है ना, तो वो शाखी वनस्पति है। लेकिन इसके अंदर कोई शाखी वनस्पति पाई जाती है नहीं, तो ये पत्तियां मिलकर क्या होते हैं, चक्री मुकुट तैयार करते हैं। चक्री मुकुट जैसे देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो आपने खजूर का पेड़ देखा होगा, ठीक है, खजूर का पेड़, इस तरह से ये खजूर का ही पेड़ एक तरह समझ लीजिए कि इसके अंदर जो वनस्पतियां होती है चक्री मुकुट तैयार कर लेती है, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा शाखाएं नहीं होती है। इनमें नर और मादा फूल एक ही वृक्ष के अलग अलग बीजाणु पर्ण पर पाए जाते हैं। देखो दो तरह के पुष्प होते हैं, नर और मादा, नर और मादा। नर मतलब पुरुष का काम करने वाले घटक को नर कहते हैं, स्त्री घटक कार्य करने वाले घटक को मादा कहते हैं। तो नर और मादा जो फूल होते हैं वो दो वृक्ष के एक ही अलग अलग बीजाणु पर्ण पर पाए जाएंगे। अनावृत बीजी वनस्पति बीज पर प्राकृतिक आच्छादन नहीं होता, मतलब बीज जो होता है कुछ ढका होता है क्या, नहीं ढका होता है, ठीक है, बीज फल से ढका हुआ नहीं रहेगा। इनके बीज आवरण रही होते थे, ये फल धारण नहीं करते, मतलब ये जो बीज रहेंगे ये फल धारण करेंगे क्या, नहीं करते हैं। साइकस, तनों की मांड निकालकर खाने वाला सावधान, सावधान निर्माण किया जाता है। साइकस वनस्पति आप लोग जानते हो, इसके अंदर देखो साइकस वनस्पति आप लोग देख लीजिएगा सर्च करके, देखो साइकस यही है, ठीक है, ये साइकस है। तो इनके अंदर मतलब फल नहीं लगते, खाली बीज लगता है, और बीज जो होता है फल से ढका हुआ नहीं होता है। आप लोगों ने एक चीज सुना होगा साबूदाना, तो साबूदाना जो साइकस वनस्पति से तैयार किया है। साबूदाना साइकस की तनों की मांड निकालकर खाने वाला साबूदाना निर्माण किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा याद रखिएगा, साइकस से ही साबूदाना तैयार होता है। अब यहाँ पाइनस, लंबे लंबे पेड़ देखे होंगे आपने जंगलों में, या तो बोलते हैं कि कोई बंगलो रहता है, ठीक है, तो वहां पर भी पाइनस नाम का पेड़ लगाया जाता है, बहुत लंबे लंबे होते हैं, फल नहीं लगते, खाली पत्ती ही रहेंगी, ठीक है, यहाँ तो समझाए बच्चों। ये अनावृत बीजी वनस्पति, इसके अंदर बीज जो रहेगा फल से ढका हुआ नहीं रहेगा, मतलब ये जो वनस्पतियां रहेंगी फल निर्माण करेंगी क्या, नहीं निर्माण करेंगी, ऐसी वनस्पतियां फल नहीं लगते हैं, और जो शाखाएं होती शाखाएं नहीं होती, पत्तियां मुड़कर चक्रीय मुकुट तैयार करती हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हम लोग, अब बच्चों देख लो, आवृत बीजी वनस्पति एंजियोस्पर्म,
एनजीओ मतलब कवर करना, आवरण बीज मतलब बीज पर क्या रहेगा, आवरण रहेगा, बीज पर क्या रहेगा, आवरण रहेगा। अवित बीजी का अर्थ है ढका हुआ बीज होता है, मतलब ऐसा बीज जो फल से क्या रहे, ढका हुआ रहे। ठीक है, इन वनस्पतियों के सभी अंग होते हैं, इनमें सभी अंग रहेगा, फल पत्ती तना जड़ जितनी वनस्पतियों के अंग होते हैं वे सारे अंग इसके अंदर पाए जाते हैं। फूल ही उनके प्रजनन के अंग होते हैं, यहाँ पर गुड़हल का एक फूल होगा, उनके प्रमुख अंग पाए जाते हैं। फूल मतलब प्रजनन क्रियात्मक इकाई होती है, वनस्पतियों में जो प्रजनन होता है वो फूलों द्वारा होता है। फूल का रूपांतरण फलों में होता है और फलों के अंदर बीज की निर्मित होती है। सही बात है, फूल से किसका निर्माण होगा, फल का, और फल के अंदर क्या रहेगा, बीज रहेगा। आप लोग मालूम है जैसे आम का पेड़ होता है तो आम का पहले क्या लगता है, फूल लगता है, पीले पीले कलर का फूल लगेगा और बाद में फूल से क्या बनेगा, फल बनेगा, और उस फल के अंदर क्या रहेगा बच्चों, बीज रहेगा। जब लोग उस आम को खा लेंगे तो बीज क्या करेंगे, जमीन में गिरा देंगे, फेंक देंगे, और उस फिर उसी बीज से क्या होगा, नया पौधा तैयार हो जाएगा। ये सामान्यतः स्थलीय पौधे होते हैं, लेकिन कुछ पौधे जलीय भी पाए जाते हैं। जो देख रहे हो ना बीजी वनस्पति, ये स्थलीय होते हैं, जमीन पे पाए जाते हैं, लेकिन कुछ वनस्पतियां होती हैं जो कहां पर पाई जाती है बच्चों, पानी में भी पाई जाती हैं। जैसे सिंघाड़ा, सिंघाड़ा एक वनस्पति है जो पानी में पाई जाती है, सिंघाड़ा आपको मालूम होगा। ठीक है, आवृत वनस्पतियां के बीजों पर फलों का आवरण होता है। ये दो वर्ग होते हैं, आवृत बीजी वनस्पति जो होते हैं उसके फलों बीजों पर क्या होता है, फल का आवरण होता है। और आगे जाके आवृत बीजी वनस्पति को दो भाग में बांटा गया है, एक द्विबीजी वनस्पति वनस्पति और एक बीजी वनस्पति। द्विबीजी मतलब ऐसा बीज दो, जिसको तोड़ने में दो टुकड़ा अलग अलग दो टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, एक बीजी वनस्पति मतलब जिसको तोड़ने में सिर्फ एक ही बीज रहेगा। ठीक है, जैसे चीकू, चीकू को आप लोग दो बीज दो टुकड़े में अलग नहीं कर सकते। ठीक है, डायकोटिलेडोन्स और मोनोकोटिलेडोन्स, ये दो प्रकार के बीज पाए जाएंगे किसके अंदर, आवृत बीजी वनस्पति में। किसके अंदर, आवृत बीजी वनस्पति। आवृत बीजी वनस्पति आपको मालूम पड़ेगा, जो बीज रहेगा फल से ढका हुआ रहेगा, इसके अंदर सभी अंग पाए जाएंगे। जो प्रजनन है वह प्रजनन फूलों द्वारा होता है, और फूल का रूपांतरण फल में, और फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है, और ये सामान्यतः क्या होते हैं, स्थलीय होते हैं, और बहुत सारे पौधे जो होते हैं वह जल में भी पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा बच्चों, आपको हमेशा काम आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो दो प्रकार है, द्विबीजी वनस्पति और एक बीजी वनस्पति, ये क्या होता है। ठीक है, चलो, एक बीजी वनस्पति, एक बीजी वनस्पति मतलब जिसके अंदर बीज जो होता है एक ही होता है, मतलब उसको दो अलग अलग टुकड़े नहीं कर सकते हम लोग। इन बीजों में केवल एक बीज पत्र उपस्थित होता है, इनकी जड़ें प्राय अधिविकसित नहीं होती है। ये जो वनस्पतियां होती हैं इनमें एक बीज पत्र होता है और इनकी जो जड़ें होती है, जो पौधा होता है, इनकी जो जड़ें होती है वो बहुत कम विकसित होती है, बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं जाती है। इनमें पुष्पों के भाग तीन या उसके गुणांक होते हैं, तीन या पांच गुणांक होंगे। कितने गुणांक, तीन या पांच। फ्लोरल मतलब देखो ना, फूल को तोड़ तोड़ के उसके जो फूल के पार्ट्स होते अलग करते हो आप लोग, तो तीन से चार गुणांक होंगे। उनके संवहन फूल में कैम्बियन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से हमारे आसपास कौन कौन से ऐसे पौधे हैं या कौन कौन से ऐसे पदार्थ है जो एक बीजपत्री वनस्पति, इसके बहुत सारे एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख के दिए। लहसुन हो गया, प्याज हो गया, इनके अंदर बीज का एक ही बीजपत्र होता है। लहसुन, प्याज, गेहूं, मक्का, इनको आप दो टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। मक्का को, चावल को, गन्ना, ज्वार, बाजरा, बांस, दूध, दूब घास, दूब घास देखो पूजा में यूज करते हैं, दूब होता है गांव में, पूजा में यूज किया जाता है उसका। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों। अब देखो, बाजरा, दूब घास, जौ, जई, नारियल, ताड़, ताड़ आप लोग जानते हैं, ताड़ का पेड़ होता है, ताड़े निकालते हैं उसके अंदर से, सुपारी, खजूर, केला, ये क्या होते हैं, एक बीजपत्री वनस्पति है। तो केले के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, केला जो है एक बीजपत्री वनस्पति है कि द्विबीजपत्री वनस्पति है, तो केला क्या है, एक बीजपत्री वनस्पति है। याद रखिए, बहुत सारे एग्जांपल मैंने दिए हुए, एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको समझेगा। और हाँ, यहाँ पर इंग्लिश में उसका वैज्ञानिक नाम है, जैसे लहसुन को वैज्ञानिक नाम क्या है, एलियम सेटियम। ठीक है, प्याज का नाम क्या, एलियम सीपा। गेहूं का नाम क्या, ट्रिसिकम एस्टिवम। मक्का का जियामाइस। चावल का ओएजा सटिवा। ये क्या इसके वैज्ञानिक नाम है, तो इसको एकदम अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ज्यादा तो वैज्ञानिक नाम पूछा नहीं जाता, आप लोगों को खाली याद रखना है एग्जाम्पल, एक बीजपत्री वनस्पति क्या होता है और द्विबीजपत्री वनस्पति क्या होते हैं। ये एक बीजी वनस्पति, एक बीजपत्री वनस्पति और द्विबीजपत्री वनस्पति, ये आवित बीजी वनस्पति के क्या है, उदाहरण है। और अवित आवीजी बीजपत्री वनस्पति क्या है, बीजपत्री वनस्पति प्रकार है। ठीक है बच्चों, यहां तक याद रखना। अब द्विबीजपत्री वनस्पति मतलब इसके अंदर बीजों के क्या होंगे, दो अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। इनके बीजों में केवल एक बीजपत्र उपस्थित होता है,
इनके पुष्पों के भाग चार या पांच भाग होते हैं। पुष्पों में कहते हैं चार या पांच, पुष्प अगर तोड़ोगे ना उनके जो फ्लोरल्स होते हैं वो चार या पांच रहेंगे, ठीक है ना, पुष्पों के चार या पांच भाग होंगे। इनकी पत्तियों में जलिका व सिरंग सिरा विन्यास पाया जाए, जलिका और सिरा विन्यास मतलब देखो तो आप लोग पीपल का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ को आप लोग बहुत दिन तक अपने नोटबुक में रखते हो तो क्या होता है उसकी जो पत्ती होती है जड़ जाती है उसके अंदर क्या होता है सिरा विन्यास आपको दिखाई देता है, उसको ही बोलते हैं जालिकवत सिरा विन्यास पाया जाता है। जैसे मूली, ये क्या द्विबीजपत्री वनस्पति है, मूली, सलगम, सरसों, फूलगोभी, कपास, भिंडी, गुड़हल, कत्था, मटर, अरहर, मूंगफली, सेम, सोयाबीन, गुलमोहर, इमली, बबूल, लाजवंती, धनिया, जीरा, सौफ, लौंग, ठीक है बच्चों, ये क्या है सारे सारे द्विबीजपत्री वनस्पतियां हैं। क्या है द्विबीजपत्री वनस्पतियां, यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जांपल मैंने लिख के रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, अशोक, शीशम, चना, सूरजमुखी, मूंग, गुलदाउदी, नींबू, मौसम्बी, संतरा, खरबूजा, कद्दू, तरबूजा, परवर, नाशपति, गुलाब, अमरूद, जामुन, आलू, बैगन, लाल मिर्च, तंबाकू, टमाटर, ये क्या है द्विबीजपत्री वनस्पतियां। अब बच्चों आप लोग सोच रहे हैं सर दो तीन एग्जांपल दे दिए होते तो हो जाता ना, लेकिन मैंने इतने सारे एग्जांपल इसलिए दिए कि भविष्य में अगर किसी ने ये सब चीजों के बारे में पूछा तो आपको ये क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक ये खत्म होता है, लेकिन एक बार और हम लोग रिविजन कर लेते हैं, हम लोग क्या देखे स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं आवित्त बीजी वनस्पति, क्या देख रहे हैं आवित्त बीजी वनस्पति, सॉरी आवित्त बीजी वनस्पति, हमने देखा बीजपत्री वनस्पति, बीजपत्री वनस्पति को अनावृत बीजी वनस्पति और आवृत बीजी वनस्पति कहा जाता है। अनावृत बीजी वनस्पति क्या होता है, इसके अंदर जो बीज होता है वो फल से ढका नहीं होता है, ठीक है, बीज बाहर रहेगा फल में नहीं रहेगा, और आवृत बीजी वनस्पति बताया इसके अंदर बीज जो रहेगा फल के अंदर रहता है। समझ में आ गया बच्चों यहां तक, यहां तक समझ आएगी आप लोगों को अनावृत बीजी पत्री फल से ढका नहीं रहेगा और यहाँ फल से ढका रहेगा, याद है। चलो अब देख लिया आवृत बीज अनावृत बीजी वनस्पति, ये सदाहरित होते बहुवर्षीय होती काष्ठीय होते हैं, तनु की शाखाएं नहीं होती, पत्तियां मिलकर चक्री मुकुट तैयार होती करती है, सब सारी चीजें मैंने बता दी एकदम अच्छे से, इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर हमने देखा था क्या आवृत बीजी वनस्पति, आवृत बीजी वनस्पति में क्या होता है ढका हुआ रहेगा, ठीक है ढका हुआ रहेगा, जो बीज है वो फल से ढका हुआ रहेगा, फूल का रूपांतरण फल में और फल के अंदर क्या पाया जाता है बीज पाया जाता है, ये स्थली होती है और कहीं कहीं क्या होती है ये पानी में भी पाई जाती है। फिर हमने देखा कि जो आवित्त बीजी वनस्पति है उनके दो प्रकार है, एक द्विबीजपत्री वनस्पति और एक बीजपत्री वनस्पति। एक बीजपत्री वनस्पति में क्या होता है बीज पत्र जो होता है एक ही होता है और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए, और जो पुष्प में पुष्प भाग रहेगा जो फूल होते हैं ना जो फ्लोरल पार्ट होते हैं तीन से चार पार्ट होंगे और इसके अंदर क्या रहेंगे पांच पार्ट रहेंगे, चार से पांच पार्ट रहेंगे, जालिका और सिरा विन्यास होता है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है, और नहीं समझे तो वीडियो एकदम अच्छे ध्यान से एकदम अच्छे से देख देख के करिएगा, पॉज ले लेके स्क्रीन शॉट लेके, और अदरवाइज मैं क्या करूंगा इस पीडीएफ का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा एकदम अच्छे इसको पढ़ लीजिएगा, और कुछ ना समझे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके आंसर आपको दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको अपने दोस्तों के साथ क्या करना है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना उनको, ताकि वो लोग भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके और उनके पढ़ाई में ज्यादा बाधा ना आए। तो